हाउसफुल है। कौन लोग कह रहे हैं कि ऐसे ही मत दिखा रहे हैं कि हाउसफुल नहीं है, देखो कहाँ तक हाउसफुल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आज हम जा रहे हैं पठान मूवी देखने। थर्ड डे आज, तो मतलब मेरे को टिकट वगैरह मिल नहीं रही थी, सारे हाउसफुल जा रहे थे। और एडवांस में ना हम बुकिंग कराते नहीं हैं, हम ऑन द वे जाके ही टिकट को लेते हैं और तभी हम मूवी देखते हैं। रीज़न क्योंकि हमारे प्लान हमेशा अनसर्टेन होते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हो। तो अब हम जा रहे हैं, देखते हैं, बताएंगे आपको। हम देंगे बिल्कुल ओरिजिनल रिव्यू आप लोगों को, क्योंकि पता नहीं मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, कई बोल रहे हैं बहुत अच्छी है। आई डोंट नो, अभी देखने के बाद ही पता चलेगा कि हम इसको बायकॉट करेंगे या सपोर्ट करेंगे। तो बने रहिए, आगे देखते हैं कैसा रहेगा। पूरी आ रही है अल्ट्रा वाइड। और सेंटर की देना भैया, और एक हाथ कूपन फ्री देना भैया। पैसे होते हैं भैया, मुझे भाई दादी करना पॉपकॉर्न लग रही। होगी शुरू, होने के लिए रही है। मैं दिखाऊंगा तुम्हें, कौन लोग कह रहे हैं कि ऐसे ही मत दिखा रहे हैं कि हाउसफुल नहीं है, देखो कहाँ तक हाउसफुल है। और हम कौन सी रो में बैठे हुए हैं, सबसे फ्रंट रो से हम एक नंबर पीछे हैं। बस छुपाए नहीं छुपते, तेरी बहुत से बहुत घुंघरू टूट गए ना, फिर नाच बायकॉट वाली कहानी चल रही है। वो जो ये दीपिका पादुकोण ने जो ड्रेस पर डाली है ऑरेंज कलर की, इसके ऊपर चल रही है। रश देखो उस्ताद जी, हमें सीट कहाँ मिली है? हमें तो यहाँ मिली है, बिल्कुल फ्रेंड्स के लिए पास। कटरीना कैफ आई है, तेनू ही कह रहा ओ आई उधर जाए।
कैसी लगी आपको मूवी? मैंने हम आपस में रिव्यू ले लेते हैं, कैसी लगी आपको? कैसी लगी मूवी? कैसी लगी? जरूर देखने मैं इसका पूरा रिव्यू दूंगा थोड़ी देर कहीं बैठ के। अभी लग रही है बैठ के आराम से, मूवी अच्छी थी। ठीक है मैं आराम से। सल्लू भाई आई बता रहा हूँ, सल्लू भाई कैसी लगी मूवी? अब हम आए हैं कुछ खाने के लिए। आदमी जब शक्ल देखे कोई लल्लड़ के काला ही हो जा रहे हैं। साड़ साड़ के मिठू सड़ते क्यों खाओ? सड़े मेरे दुश्मन। क्या लजीज मोमोज हो रहे हैं, चिट्टी वाली तंदूरी चीयर्स। अभी आ गई हमारी बीरा, हमने इसके ऊपर से वो हटा दे दिया ताकि पता न लगे किसी को कौन सा मूवी देख के। तो निकल चुके हैं, खा पी भी लिया है। अब ठंड इतनी ज्यादा होती है कि मेरी फ्रंट कैमरा के ऊपर भी ना बहुत ब्लर दिख रहा है कैमरा, काफी ज्यादा ठंड हो गई है। पता नहीं कितना टेम्परेचर है फिलहाल दिल्ली में। घर आ गए हैं, घर आके गर्मा गर्म कॉफी बन गई है, ब्रू की कॉफी बनाई है मैंने। और ना ये ट्राई करना, ये वाला चॉकलेट पाउडर डाल के कॉफ़ी बनाना, उसके ऊपर भी डाल देना थोड़ा सा, अंदर भी डाल देना, बहुत टेस्टी कॉफ़ी बनेगी ना। वीडियो बनाने के लिए स्पेशल जद्दो जहज जैकेट डालता हुए जद्दो जहज जद्दो जहज जद्दो जहज होती है, जद्दो जहज ही होती है, जहज नहीं होती, जहज होती है, जद्दो जहज। आई डोंट नो तो अब टाइम है मूवी के रिव्यू का। अब बताते हैं कि मूवी कैसी थी, आपको कैसी लगी? मैंने साहब बहुत अच्छी। छोड़ो इसका रिव्यू जानने की जरूरत नहीं, रिव्यू जानना है मेरा जानो। मूवी जो थी बेसिकली वो थी एक्शन मूवी, एक्शन मूवी थी। और इसमें सल्लू भाईजान भी आए थे, जोन अब्राहम भाई साहब भी आए थे, दीपिका भाभी जान भी आई थी, और सलमान खान को बोल देना, सॉरी शाहरुख खान को बोल देना। ठीक है, मूवी के अंदर इतने मस्त हो गए, तुम्हें पता ही नहीं है कौन कौन है। मूवी जो है ना मतलब ऐसी थी कि कपिल जी भी आए थे, महक जी भी गई थी। उसमें कुछ ऐसा था कि जैसे ना अगर आप मूवी देख रहे हो ना तो आप उसका एक हल्का सा भी सीन मिस नहीं करना चाहोगे। मतलब अगर ये मेरे से बात भी कर रही थी ना बीच में तो मैं सोच रहा था चुप हो जा, वैसे भी होता है। ठीक है, ठीक है, पर मजा आया, अच्छी लगी मूवी। तो बायकॉट बायकॉट छोड़ो, देख के आओ मूवी, बढ़िया मूवी है। 220 रुपए टिकट, सॉरी दोपहर को ही सब फुल हो गए थे। तो कुछ एक दिन पहले से बुकिंग वगैरह होने लगती थी। इवन मतलब मूवी ऑल ओवर बहुत अच्छी है, लाइक अपनी देश के ऊपर यह मूवी, उसमें जैसे मतलब एक वायरस होता है उसको, मतलब उस लास्ट में ये दिखा रहे हैं छोटी माता वाला वायरस था जिसको चिकन पॉक्स, स्मॉल छोटी उन्होंने ही बोलते हैं स्मॉल चिकन पॉक्स, छोटी माता ही बोलते हैं। हाँ उन्होंने नहीं माता होगी है, स्मॉल चिकन पॉक्स पता नहीं ठीक कह रहे हैं। हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, डोंट माइंड इट, छोटी माता होगी, छोटी माता ठीक है, यही होता है। तो उसमें जो कुछ वायरस दिखाया गया था कि लोगों में ना फैले, उसकी वजह से अपने शाहरुख खान जी लड़ रहे थे और जॉन इब्राहिम जी उसको फैलाना चाह रहे थे। मैं अगर स्टोरी बताऊं तो कुछ ऐसा थी कि जो जॉन इब्राहिम था वो एक पहले सोल्जर हुआ करता था जो इंडिया के लिए लड़ता था। ठीक है, पर उसको कुछ उसको कहीं पर आतंकवादी ने पकड़ लिया था, सो हमारे इंडिया वालों ने उसके साथ नेगोशिएशन से मना कर दिया था। तो इंडिया तुमसे ना हो पाएगा, उसको उसको छोड़ने के लिए आतंकवादियों ने ना
10 करोड़ रुपए मांगे थे, पर इंडिया वालों ने मना कर दिया था कि हम नहीं देंगे, हम आतंकवादियों के साथ संधि नहीं करेंगे। बीवी और उसकी प्रेग्नेंट बीवी को मार दिया गया था, तो उस चीज के चक्कर में वो इंडिया के खिलाफ हो गया था और वो बन गया था आतंकवादी। वो बन गया था आतंकवादी। आतंकवादी बनने के बाद फिर उसने सब कहानियाँ करी और हमारे जो, और जो दीपिका पादुकोण है ना, बेसिकली पहले वो जो है उसमें ISI जो पाकिस्तान की, वो सीक्रेट एजेंट है, ठीक है। बाद में वो जब उसको पता लगता है कि ये कुछ गलत कर रहा है, कि मतलब जिससे मतलब पब्लिक को वो हो रहा है, अफेक्ट होगा, जिससे कि पाकिस्तान भी अफेक्ट हो सकता है, तो फिर वो शाहरुख खान के साथ मिलके वो जिम की सारी पोले खोल देती है। तो पहले तो शाहरुख खान को भी धोखा देती है, तो बाद में पर वो शाहरुख खान के साथ होके हमारे देश को भी बचाती है और शाहरुख खान जी को भी बचा लेती है। तो फ्रेंड आज का व्लॉग यही खत्म होता है। ना तो लाइक आ रहे हैं ना व्यूज़ आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू।